जय माता दी, जय माँ कामाख्या। रहस्यमय ज्ञान की दुनिया, देवराधा ट्रस्ट, सत्यवाणी चैनल। यदि मनुष्य चाहे सवेरे हो, सुबह हो, शाम हो, वो धूली बेला के समय हो, ब्रह्म मुहूर्त के समय हो, सोते समय हो, यदि वो ईश्वर का मनन करता हो, चिंतन करता हो, ईश्वर का ध्यान करता हो, मंत्र जाप करता हो, और ऐसा करते समय उसकी आंखों से अनायास आंसू निकलने लग जाए, टप टप आंसू निकलने लग जाए, वो रोने लग जाए, उसका हृदय भर से आ जाए, वो मंत्र नहीं बोल सकता हो, तो समझो ईश्वर की कृपा प्राप्त हो गई है, यानी अनाहद चक्र सक्रिय हो गया है, ऐसा समझना चाहिए। और वहां पर परमात्मा की दिव्य दृष्टि पड़ चुकी है। बिल्कुल प्रैक्टिकल ज्ञान आपके सामने प्रस्तुत है। ऐसा जिस किसी भी मनुष्य के साथ में होता हो तो समझो उसे शुद्ध, स्वच्छ और पवित्र रहना है। मांस मदिरे का सेवन नहीं करना है, पराई स्त्री से दूर रहना है, हो सके तो कुछ उपवास कर सके तो उपवास करना है, परोपकार का कार्य करना है, किसी की हाय बद्दुआ नहीं लेना है, किसी स्त्री के ऊपर हाथ नहीं उठाना है, और परम पिता परमात्मा का कार्य करना है, तो उसके ऊपर ईश्वर की कृपा अवश्य बहुत जल्दी प्राप्त हो जाएगी। यदि मनुष्य के जो आंसू निकलते हैं प्रार्थना करते समय, वही ईश्वर की अनुभूति को महसूस कराते हैं। ऐसे आंसू संसारी व्यक्ति के भी निकलते हैं, असंसारी व्यक्ति के भी निकल सकते हैं, ऐसा नहीं है। परंतु यदि भगवान की आराधना में रत रहते हो, भगवान का नाम स्मरण करते हुए यदि मंदिर में खड़े होते समय यदि आंखों से आंसू निकलते हो, तो समझो ईश्वर की कृपा प्राप्त हो चुकी है। बस उससे परोपकार में उसको लगाने का कार्य करना है आपको। परमात्मा की कृपा आपके ऊपर है, ईश्वर का काम करिए, निश्चित तौर से आपको फायदा ही फायदा होगा। आध्यात्मिक उन्नति होगी, आर्थिक उन्नति होगी, सुख समृद्धि शांति अवश्य प्राप्त होगी।